अगर 10 में 10 आप नहीं भी दे पा रहे हैं अपने कंपनी को, अरे साला भाड़ में जाए, इसी कंपनी में ना काम करना है अभी, तो 10 में 10 दो। अगर काम करना है तो दो, झूठा ही सही, वरना आपका मेंटल स्टेट नहीं बन पाएगा, आप उस फ्लो में नहीं आ पाएंगे सेल्स निकालने के फ्लो में, आप सेल्स मशीन नहीं बन पाएंगे। फिर आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका मन करे ना करे 10 में 10 दीजिए, क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट्स? आपको लगे ये झूठ है? झूठ नहीं है भैया, ये सेल्स के लिए जरूरी चीजें हैं। मैं कोई चीज बेचूं और मुझे खुद ही पता हो कि अच्छा नहीं है तो बेच लूंगा। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट पहली बार जब बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता नेटवर्क मार्केटिंग अंदर या कहीं भी, प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है वो विश्वास बिकता है सबसे पहले, राइट? प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है वो विश्वास खरीदता इंसान आपसे, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि प्रोडक्ट तो चखा ही नहीं अभी उसने। मैं पहले सेलिंग की बात कर रहा हूं, पहले परचेजिंग की बात कर रहा हूं, रीपरचेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं कि लोग इस धंधे में आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, कौन लाता है, कौन नहीं ला पाता है, दिक्कत कहां पे है। दिक्कत इसमें है कि 90% लोग प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और 10% लोग को पता चल गया है कि पहली बार में तो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है वो विश्वास बिकता है और खरीदा जाता है। इसलिए पहली बार अगर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि प्रोडक्ट खराब था, इसलिए नहीं लिया कि उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं लिया कि वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया कि वो प्रोडक्ट महंगे थे, इसलिए नहीं लिया कि उस प्रोडक्ट से उसका काम नहीं होना था, इसलिए नहीं लिया कि उसके अलावे भी उसके पास प्रोडक्ट थे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो आपका विश्वास था वो खरीदने लायक नहीं था, आपका विश्वास खरीदने लायक नहीं था। और आज एक बात याद रखिएगा पूरी जिंदगी में कि डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने का धंधा बाद में है, पहले ये लोगों के डर को मारने का धंधा है कि डर मारना आता है कि नहीं। अगर आज कोई 10,000 मेरे साथ नहीं लगा रहा साहब, उसका एक ही कारण है, डरता है साला, डर रहा है वो, उसको डर है, डरपोक प्राणी है। डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाना है तो डर को मारना सीखिए। लोग डरते हैं, लोग डरपोक हैं, लोग के पास पैसा है यह धंधा शुरू करने का, नहीं कर पा रहे, डरते हैं लोग। और लोगों को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनका डर मार दे, जिनसे वो मिले तो उनको डर ना लगे, जिनसे वो मिले तो उनको लगे कि अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं इसी इंसान को खोज रहा था, मैंने भी नेटवर्किंग सुनी थी, मुझे पता भी है कि नेटवर्किंग में पैसा है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, अभी मिला साला, अब करूंगा, राइट, लगाओ पैसा। बट लोग कभी कभी कुछ भी प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं, उसमें सामने वाले का फायदा है नहीं है ये नहीं सोचते। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि देखिए, हमें सब कुछ नहीं बेचना। कुछ ट्रेनर्स बोलते हैं मैं तो आपको कुछ भी बेचना सिखा दूंगा, हमें सब कुछ नहीं बेचना, हमें सिर्फ वही बेचना है जिसमें सामने वाले का फायदा हो। सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, उसका फायदा है तो हमें बेचना चाहिए, और हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्या हम ये खुद खरीदेंगे, क्या सच में फायदा है, तभी एक विन विन सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। अभी मैं आपको एक सबसे बड़ा लेसन दे रहा हूं, सिर्फ वही बेचो जो आप खुद खरीदो। अगर आप कोई चीज खुद नहीं खरीदते तो उसे मत बेचिएगा। हमें सेल्स के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज क्या है कि फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअर, सक्सेस आपकी फॉलोअप में छुपी हुई है। फॉलोअप का मतलब होता है एक बार प्रेजेंटेशन देके दोबारा बातचीत करना, दोबारा मिलना, दोबारा क्लाइंट से बात करना। एक बार में प्रेजेंटेशन देने के बाद सेल्स क्लोज नहीं होती, 90% केसेस में एक बार में लोग नहीं खरीदते, उन्हें फॉलोअप करना पड़ता है। तो अगर आप हार्डकोर सेल्स प्रोफेशन के अंदर हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। जनरली मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 5 बार आपको फॉलोअप करने की जरूरत होती है अगर आप किसी को जेन्युइनली कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपको प्रोडक्ट ले ले। सेल्स क्लोज करने के लिए 5 बार फॉलोअप रिक्वायर्ड है। अब आप अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो या आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप इवन किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं, फॉलोअप जरूर लीजिए। लोग क्या करते हैं सेल्स के अंदर, से बक 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 करते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। हाँ जी, आपने कई सारे सेल्समैन देखे होंगे जो प्रोफेशनल नहीं होते, सिर्फ अपनी
गानी गाना शुरू कर देंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर देंगे, सर इसके ये यूएसपी है, ये फायदा है, ये ऐसे है, ये इतना है, सर इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो कुछ भी बताना शुरू कर देंगे। सामने वाला वो खरीदना ही नहीं चाहता जो तुम बेच रहे हो, वो तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहता है।